हाय मैं हूं मोहित पुंजाल फ्रॉम यू कंपनी सेट डॉट कॉम इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे बिजनेस आइडियाज टू स्टार्ट योर बिजनेस इन दुबई और इन यू दुबई इज अ फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर पीपल टू सेटअप द बिजनेस बहुत ही अच्छी जगह है बहुत ही स्किल्ड लेबर अवेलेबल है गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है टू स्टार्ट योर बिजनेस एंड वी आर इंस्ट्रूमेंटल इन हेल्पिंग यू इन स्टार्टिंग योर बिजनेस वी विल सजेस्ट यू डिफरेंट बिजनेस आइडिया जो कि आप अमल कर सकते हैं और वहाँ पे आप अपना बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं इसका डिटेल्ड एनालिसिस आपको खुद करना पड़ेगा हम खाली एक बिज़नेस आइडिया देते हैं जो आपका इंटरेस्ट है उस बिज़नेस आइडिया पे आप अमल कीजिए और वहाँ पे आप उस पर स्टडी कीजिए एंड वहाँ पर आप उस बिज़नेस आइडिया के बेसिस पे अपनी कंपनी सेटअप करें हम आपकी हेल्प करेंगे इन सेटिंग अप योर कंपनी एंड गेटिंग योर डॉक्यूमेंटेशन डन बट आपको डिटेल्ड एनालिसिस खुद करना पड़ेगा कुछ बिजनेस आइडियाज़ ये हैं आपके सामने जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे पहले नंबर पे जो चल रहा है वो है ई e कॉमर्स का बिजनेस ई कॉमर्स बिजनेस इज इन वेरी मच डिमांड हर बंदा प्रेफर करता है कि हम वहां पे हम ई e कॉमर्स के लिए अमेजोन से या जितने भी शॉपिंग वेबसाइट्स है शॉपिंग पोर्टल्स है इनसे टाइप करें और ई e कॉमर्स का बिज़नेस करें बहुत ही बेहतरीन आइडिया है अच्छा बिजनेस है और बहुत ही कम खर्चा है इसके लिए आपको एक लाइसेंस दिलवाना होगा कुछ बेसिक डॉक्यूमेंटेशन होगी एंड यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस आपको बैंक अकाउंट खोलने के बाद यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस सो ई कॉमर्स बिजनेस इज वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड बिजनेस एज ऑफ नाउ सेकेंड बिजनेस इज कंस्ट्रक्शन बिजनेस कंस्ट्रक्शन बिजनेस डेफिनेटली इज अ एवर बूमिंग बिजनेस इन दुबई कंस्ट्रक्शन की हमेशा डिमांड है कंस्ट्रक्शन हमेशा होती रहती है यू में इसलिए कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करना चाहते हैं तो इट्स अ वेरी गुड बिजनेस हाँ थोड़ा एक्सपेंसिव है थोड़ा आपको उसमें खर्चा करेगा बट ये एक बिजनेस है जो कि डिमांड में है ट्रैवल एंड टूरिज्म बिजनेस ये बिजनेस कभी भी खत्म नहीं होगा जो व्यक्ति ट्रैवल एंड टूरिज्म का बिजनेस करना चाहते हैं इट्स अ वेरी गुड थॉट ट्रैवल एंड टूरिज्म बिजनेस इज ऑलवेज इन डिमांड हमेशा आप देखेंगे डिफरेंट कंट्रीज से लोग दुबई में ट्रैवल करते हैं एंड वहाँ पर कितने इवेंट्स होते रहते हैं अगर आप ट्रैवल एंड टूरिज्म बिजनेस करेंगे तो आप कितने इवेंट्स कैप्चर कर सकते हैं कितने एक्टिविटीज़ है दुबई में करने के लिए ये सब में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं थ्रू ट्रैवल एंड टूरिज्म बिजनेस लॉजिस्टिक बिजनेस सेंटर ये एक अच्छा बिजनेस है जो जो व्यक्ति लॉजिस्टिक एरिया में है उसके लिए लॉजिस्टिक बिजनेस सेंटर एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है और इस बिजनेस में ग्रोथ के अच्छे चांसेस हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ऑनलाइन बिजनेस द नीड फॉर लॉजिस्टिक हैज लॉजिस्टिकल्सो इंक्रीज साइमल्टेनियसली कंसिडरिंग द दुबई जोग्राफिकल एरिया लॉजिस्टिक बिजनेस इज वेरी मच इन डिमांड इसके बाद है रियल एस्टेट बिजनेस रियल एस्टेट बिजनेस हमेशा से ही डिमांड में है जैसे मैंने बताया कंस्ट्रक्शन इज अ नेवर एंडिंग बिजनेस इसके साथ साथ रियल एस्टेट आप कुछ भी ऑफिस लेना चाहते हैं मकान खरीदना चाहते हैं रेंट पे लेना चाहते हैं कुछ भी करना चाहते हैं तो रियल एस्टेट बिजनेस इज ऑलवेज देयर बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग बिजनेस ये एक अनदर बिजनेस है जो कि अभी बूम कर रहा है दुबई में बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग की डिमांड बढ़ चुकी है बिकॉज ऑफ द देशन विच एज कम इन कॉर्पोरेट टैक्सेस आ चुके हैं और वैट आ चुका है उसकी वजह से बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग बिजनेस की डिमांड बढ़ गई है तो अगर आप बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का बिजनेस करना चाहते हैं तो दैट्स अ फ्लरिशिंग एंड ग्रोइंग बिजनेस हेल्थ सेक्टर बिजनेस ये एक अनदर बिजनेस है जो कि डिमांड में है गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट है फॉर द डॉक्टर्स नर्सेज टू कम अप एंड सेटल ओवर देयर एंड हेल्थ सेक्टर बिजनेस इज डेफिनेटली ग्रोइंग अगर किसी डॉक्टर को वहाँ पे क्लिनिक सेटअप करना है आप अपने डीएचए का एग्जाम दीजिए

अगर आप स्पेशलिस्ट चाहें इस पर्टिकुलर सेगमेंट में देन दिस बिजनेस इज अ वेरी गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर यू आप ये बिजनेस वहाँ पे सेटअप करें एंड यू विल फील द एडवांटेज ब्यूटी सैलून बिजनेस इज ग्रोइंग एट अ वेरी गुड पेस इन दुबई रेस्टोरेंट बिजनेस ये बिजनेस तो कभी ख़त्म होगा ही नहीं दुबई इज नोन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ नेशनैलिटीज टेइंग ओवर और डिफरेंट नेशनैलिटीज़ वहाँ पे आती है फॉर टूरिज्म अगर आप वहाँ पे रेस्टोरेंट हैं डिफरेंट कंट्रीज के कोजींस के रेस्टोरेंट्स हैं या डिफरेंट कंट्रीज के हिसाब से अपने रेस्टोरेंट सेटअप किए हैं आपका बिजनेस कभी भी नहीं खत्म होगा क्लाउड किचन बिजनेस ये एक बिजनेस है जो कि मशरूम किया है आफ्टर द कोविड क्लाउड किचन क्या होता है क्लाउड किचन में आप घर की किचन से खाना बनाते हैं एंड यू सप्लाई इट टू द रिस्पेक्टिव वेंडर्स टू रिस्पेक्टिव पीपल उसके लिए एक स्पेशल लाइसेंस चाहिए होता है वी विल हेल्प यू इन गेटिंग द क्लाउड किचन लाइसेंस सो क्लाउड किचन लाइसेंस इज वेरी मच इन डिमांड राइट नाउ बहुत ही कम खर्चा है क्लाउड किचन में और अच्छी कमाई है ये है टॉप टेन बिजनेस आइडियाज विच आर ब्लूमिंग एंड फ्लरिशिंग इन दुबई और इन जुआई इस बिजनेस में से आप कोई भी बिजनेस चूज करें एंड अपना करेज रखें एंड पैसा लगाए यू विल डेफिनेटली ग्रो इन बिजनेस आप ट्रस्ट करें ये कंट्री बहुत ही अच्छा है ये डेस्टिनेशन बहुत ही अच्छा है फॉर सेटिंग अपजनेस इंडिया से तीन घंटे ढाई घंटे तीन घंटे की फ्लाइट है एंड यू आर देयर इन दुबई एंड वी विल हेल्प यू इन गेटिंग अ रिस्पेक्टिव लाइसेंस आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें फॉर ऑल द रिस्पेक्टिव बिजनेस आइडियाज फॉर सेटिंग अप योर बिजनेस इन दुबई